बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारे इस्लामियात का दूसरा ऑनलाइन लेक्चर है जमात हफ्तम के लिए। आज हम पढ़ेंगे बाब दोम, ईमानियात और इबादत, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। फिर हम इसकी पढ़ाई करेंगे और फिर हम इसकी पढ़ाई की मदद से मश्क के सवाल हल करेंगे। तो शुरू करते हैं, किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलें। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है। अगरचे इस्लाम ने नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज के ज़रिए इबादत का जामे निज़ाम दिया है। इसके अलावा दिगर इखलाकी, मुआशी और मुआशरती तलीमात पर अमल करना भी इबादत है। इलावा व अज़ा, हकूकुल इबाद की अदायगी भी अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्ड्स मौजूद हैं जिसकी मदद से हम इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। पहले नंबर पर है नमाज। इस्लामी इबादत में से नमाज सबसे अफजल है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, और अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद सबसे ज्यादा महबूब अमल नमाज है। यही वजह है कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा ताकीद नमाज कायम करने की आई है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। नमाज में बंदा अपने खालिक और मालिक के सामने आजी और इनकसारी के साथ अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है और अल्लाह ताला की किबरियाई का इकरार करता है। इसलिए नमाज को मोमिन की मिराज कहा गया है। नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज मुसलमानों पर रोज़ाना 5 बार फ़र्ज है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है ज़कात। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है। ज़कात वो रकम है जो मालदार मुसलमानों का अपनी हलाल कमाई में से कुछ हिस्सा हकदार गरीब मुसलमानों को हर साल देना फर्ज है। ज़कात गरीबों की मदद के लिए अदा की जाती है। ज़कात अदा करने से बाकी माल पाक हो जाता है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है। सुबह सादिक से सूरज गुरूब होने तक कुछ ना खाना पीना और बुरे कामों से बचने का नाम रोज़ा है। हर साल रमज़ान मुबारक के महीने के सारे रोज़े रखना फ़र्ज है। अल्लाह ताला इन लोगों से बहुत खुश होता है जो रमज़ान मुबारक के महीने के तमाम रोज़े रखते हैं। चौथे नंबर पर है हमारे पास हज। हज इस्लाम का पाँचवा रुकन है। हज अदा करना उन लोगों पर फ़र्ज है जो हज के अखराजात बर्दाश्त कर सके। ज़िंदगी में एक बार हज अदा करना फ़र्ज है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों मुसलमान हर साल हज की अदायगी के लिए मक्का मौजमा जाते हैं। अब हम इसकी मशक हल करेंगे। सवाल नंबर 1, तफसीली जवाब दें, इबादत से क्या मुराद है? बच्चों, सफ़ा नंबर 15 पर इसका जवाब है, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है। यहाँ से लेकर और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें, यहाँ तक। सवाल नंबर 2, रोज़ादार की क्या फजीलत बयान की गई है? सफ़ा नंबर 16 पर इसका जवाब है, रोज़ा भी इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है। यहाँ से लेकर एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस है, मखसूस होगा या मखसूस है, यहाँ तक है। सवाल नंबर 3, ज़कात के बारे में आप क्या जानते हैं? सफ़ा नंबर 15 पर इसका जवाब है, ज़कात माली इबादत है। यहाँ से लेकर सफ़ा नंबर 16 पर सुकून की फिजा पैदा होती है, यहाँ तक है। सवाल नंबर 4, हज के बारे में आप क्या जानते हैं? सफ़ा नंबर 16 पर इसका जवाब है, हज एक माली और बदनी इबादत है। यहाँ से लेकर ये कुर्बे इलाही का बेहतरीन जरिया है, यहाँ तक है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिनों को किस लिए पैदा किया है? सफ़ा नंबर 15 पर इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सवाल नंबर 2, कुरान हकीम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हुक्म आया है? सफ़ा नंबर 15 पर दूसरे पैराग्राफ में इसका जवाब है, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज कायम करने की आई है, यहाँ तक है। सवाल नंबर 3, हज कैसी इबादत है? सफ़ा नंबर 16 पर पैराग्राफ नंबर 3 पर इसका जवाब है, हज एक माली और बदनी इबादत है। सवाल नंबर 4, हज का अजीमुल शान इज्तिमा किस बात की इलामत है? सफ़ा नंबर 16 पैरा नंबर 3 पर इसका जवाब है, हज के अजीमुल शान इज्तिमा से उम्मत मुसलमा की शान व शौकत का इजहार होता है और इत्तेहाद व यकजानगत का अमली मुजाहरा भी। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद में नमाज के साथ किस इबादत का हुक्म आया है? सफ़ा नंबर 16 पर सबसे पहले पैरे में इसका जवाब है, कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म आया है।
सवाल नंबर 3, खाली जगह पूर करें, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत डैश है। वसी, प्यारे बच्चों इसी तरह हम पढ़ाई की मदद से बाकी की खाली जगह भी हल करें। सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ज़कात कैसी इबादत है? बदनी, माली, जुबानी, बदनी और माली। माली, शाबाश। बच्चों इसी तरह बाकी के दुरुस्त जवाब पर भी टिक का निशान लगाकर हल करें। बच्चों आज हमने इस्लाम में इबादत के तसव्वुर के बारे में पढ़ा। घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।